हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुक्स ब्रेन। आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल द्वारा लिखी बुक द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन्स। इस बुक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको अमीर लोगों के सफल होने के कुछ बेहतरीन स्टेप्स के बारे में बताया है, और इस वीडियो में हम इस बुक के कुछ और स्टेप्स के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनी लाइफ में अपना कर आप भी सफल लोगों की कैटेगरी में आ सकते हैं और एक रिच और प्रोस्पेरियस लाइफ जी सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड नाउ लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, थिंक क्लियरली। आजकल की दुनिया में हमारे चारों ओर इतना शोर और सच झूठ है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से गलत डिसीजन ले सकता है। सारी एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी कुछ झूठ बोला जाता है। मीडिया आपको तरह तरह से मैनिपुलेट करती है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप क्लियर और ठीक सोच पाए। इसके लिए आप अपने फैक्ट्स को दो भागों में बांट लें। पहला रिलीवेंट फैक्ट्स एंड दूसरा इररिलीवेंट फैक्ट्स। जो रिलीवेंट फैक्ट्स यानी ज़रूरी हो उन पर ध्यान दें। इररिलीवेंट के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। मान लीजिए आपने कैंसर पर कोई यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है और कोई गलत कमेंट में लिखता है कि कैंसर से मरने की दर इतनी है और आपने गलत बताया है, और इसके बाद कोई गाली लिख देता है, तो आपके लिए रिलीवेंट फैक्ट हुआ कैंसर की दर यानी परसेंटेज। उसे चेक करें और अगर सच में गलत है तो एडिट करके ठीक कर दे। अपोलोजाइज भी कर सकते हैं, लेकिन गाली को पढ़कर अपनी रातों की नींद ना ख़राब करें, क्योंकि सोशियोपैथ लोग इस दुनिया में हमेशा रहेंगे। उन्हें सिर्फ इग्नोर करें और अपने अगले वीडियो को तैयार करने पर ध्यान दें। ऐसे ही करियर डिसीजन लेने में भी क्लियर सोचे। ऐसा ना हो कि चार दोस्त बोल दे कि तुम गजब की एक्टिंग करते हो और आप चने के झाड़ पर चढ़ जाए और झोला उठाकर बिना प्लानिंग के मुंबई चले जाए। इस तरह से सिर्फ फुटपाथ पर ही सोना पड़ेगा और मिलेगा 40-50 साल का स्ट्रगल, और इसके बाद भी शायद कोई बात ना बने। इसलिए क्लियर सोचे कि आप में सच में टैलेंट है कि लोग सिर्फ आपके दोस्त होने की वजह से आपसे ये कह रहे हैं, क्योंकि थ्रेशहोल्ड टैलेंट तो सब में ही होता है। सफल बनने के लिए आपका टैलेंट थ्रेशहोल्ड से ऊपर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कंसंट्रेशन और फोकस। सफलता पाने के लिए आपको अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। अर्जुन और चिड़िया की आंख वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा, उसे ही फोकस कहते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा पहले एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर वो ना चले तो अगले महीने उसे छोड़कर एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इस तरह एक साल में वह 3600 बिजनेस ट्राई कर लेते हैं। ऐसे लोग अंत में बर्बाद होकर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोग फोकस करना नहीं जानते। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना मनपसंद गोल चुने और फिर उस पर पूरी तरह से जुट जाए। कम से कम 1-2 साल तक तो लगे रहना पड़ेगा। ब्लॉगिंग में भी ऐसा होता है। एक रिसर्च के अनुसार 95% ब्लॉग फेल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ब्लॉगर कॉन्टेंट लिखने पर फोकस नहीं करता। कभी SEO करने लगेगा तो कभी 50 तरह से सोशल मीडिया पर प्रमोट करने लगेगा। 1 साल तक सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए और बेसिक SEO करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। 36 चीज़ें एक साथ करने पर आप एक भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। ऐसा हर फील्ड में होता है। इसलिए पहले एक चीज़ को कंप्लीट करें, फिर दूसरा शुरू करें। इससे आप ज़रूर सफल होंगे। पॉइंट नंबर 3, कोऑपरेशन वर्क विद अदर्स। अगर अपने गोल या स्टार्टअप में सक्सेस होना है तो दूसरों के साथ काम करना सीखें, लेकिन अपनी टीम सोच समझ कर चुने। सभी मेंबर्स का एक गोल और एक जैसी इंटेंशन होनी चाहिए। इंटरव्यू करके आप ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं, फिर आप उनकी हेल्प करें, तभी वे सब आपकी भी हेल्प करेंगे। हर किसी में कोई ना कोई स्किल ज़रूर होनी चाहिए, उसका फ़ायदा उठाए। पॉइंट नंबर 4, फेलियर लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस में कोई भी फेलियर नहीं होता, वे तो लेसन्स होते हैं, क्योंकि हर फेलियर आपको यह सिखाता है कि यह तरीका काम करेगा या नहीं। उससे सबक ले और फिर नया तरीका खोजे। जैसे शुरू में ब्लॉगर अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक सोशल मीडिया पर कॉपी पेस्ट करने लगते हैं, इससे उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो इससे वह सीख सकते हैं कि ट्रैफिक लाने में स्पैमिंग काम नहीं करती है। ऐसे ही हर फेलियर कुछ ना कुछ सिखाता है, उससे सीखे और आगे बढ़े, निराश होकर रुक ना जाए। पॉइंट नंबर 5, टॉलरेंस। सहनशील बने, फिर चाहे वो किसी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन आदि की बात हो।
या किसी की गलती पर रिएक्ट करने की। हर तरह से व्यक्ति को अपनाएं, सबके साथ समान बर्ताव करें, स्टेरोटाइप्स में ना फंसे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। संकुचित विचारों वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसी तरह किसी से गलती हो जाए तो भी उन्हें सुधारने का मौका दे, ना कि आपक होकर चिल्ला पड़े, इससे कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 6, द गोल्डन रूल। यह रूल कहता है कि खुद के अंदर झाके खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाए। इस रूल को ना समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला सारी उम्र सब्जी ही बेचता रहता है, या चाय बनाने वाला चाय ही बेचता रहता है, क्योंकि वह अपने अंदर नहीं झांक पाते, यह नहीं सोच पाते कि वे भी सफल बन सकते हैं। जबकि ऐसे भी लोग हैं जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत करते हैं। ऐसे लोग चाय की ही फ्रेंचाइजी चला रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आलस छोड़े और एक्शन ले, और विश्वास करें कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन लगे रहे तो सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। तो गाइज, ये थे बाकी पॉइंट्स इस बुक के। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हो तो भी कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको और बेहतरीन कॉन्टेंट प्रोवाइड करवा सकें। अंत में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।